जी राधे, आप कैसे हैं? बस ठीक है। आपकी कृपा है, बस चल रहा है। ठीक जी राधे, ठीक है। आप थोड़ा वेट कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी आपके कार्य में ज्यादा समय लग गया। आप कहाँ से? आप वैसे कहाँ से हैं? आप वैसे कहाँ से भैया? गोरखपुर से हैं आप? गोरखपुर से हैं। अभी आप कहाँ पर हैं? ओमान? ओमान कहाँ पर है ये? अच्छा, सऊदी अरब में। ठीक है, चलिए। तो आप क्या जानना चाहते हैं? और क्या है बताइए, बताइए और क्या है? बच्ची, वो भी परेशान है। बच्चा बीवी है, वो भी बहुत परेशान रहती है। दवाई कराते रहता हूँ, अपना भी दवा खाता हूँ, दवा कराता रहता हूँ, लेकिन कोई पता ही नहीं चल रहा कि मैं क्यों ना परेशान। इसलिए तो आपका देखा हमने, बहुत हमको पसंद ली हो। मैं सोचा था उन्हीं से बात करता हूँ एक बार, मेरा भी हो सके तो कुछ हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर। तो आपके जो पत्नी बच्चे सब, ये सब आपके साथ ही रहते हैं? वो गांव में? आप यहाँ पे अकेले हैं, तो आप मिलने जाते हैं उनसे? अच्छा, चलिए ठीक है। मैंने आपका पर्चा बना लिया है भैया, ठीक है। बात करने के बाद मैं आपको दे दूंगा फोटो वगैरह, इसमें सभी आपके उपाय वगैरह लिखे हैं, ठीक है। अच्छा, ये यहां तक आएगा, अभी आपके उपाय भी लिखने हैं मुझे, ठीक है ना जी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। जी, बता रहा हूँ मैं आपको। जी बता रहा हूँ, अभी आपका समय विपरीत चल रहा है, ठीक है। मन अशांत व परेशान अधिक रहेगा, वह मानसिक समस्या पीड़ा परेशान ज्यादा करेगी, ठीक है। जीवन में संघर्ष अधिक है और सुख का अभाव है, ठीक है। हर कार्य में बाधा व परेशानी अधिक आती है, जैसा सोचते हैं हो नहीं पाता, अड़चने अधिक आती है उसमें, और समझ नहीं आ रहा क्या करे क्या ना करे, ठीक है। संघर्षशील समय अभी आपका चल रहा है, ठीक है। चिंता ना करे, नियम उपाय करे, लाभ होगा। क्रोध अधिक आता वह चिड़चिड़ा स्वभाव बन गया, मन खुश नहीं रहता, परेशान वह अधिक चिंतित रहता, वह धन की लालसा अधिक। धन भी भाग्य में आपके खूब है और आप मेहनती भी है, लेकिन धन की बचत होने में समस्या। मेहनती भी आप खूब है और आपके भाग्य में धन भी है, ऐसी बात नहीं है कि धन नहीं आपके भाग्य में, धन भी खूब है आपके भाग्य में, ठीक है। भूमि, भवन, वाहन, धन सब चीज है, लेकिन क्या है, उसके अंदर बचत नहीं है, ठीक है। वह खर्च तेजी से होगा, जितना जल्दी आएगा उतना ही जल्दी जाएगा, बचत नहीं हो पाएगी, समझ रहे हैं? हाँ। चिंता ना करे, नियम उपाय करे, लाभ होगा। घर पे पितृ दोष लगा, इसलिए उठापटक अधिक लगी, वे धन का अधिक नुकसान, वे बर्बाद ज्यादा होता। जहां से चलना शुरू करेंगे फिर वापस वहीं पर आना होगा, ऐसी स्थिति बन जाएगी, ठीक है। संघर्ष अधिक है, वे स्वास्थ्य पर धन खर्च ज्यादा और बीमारी समझ के बाहर बन, या मतलब बीमारी समझ नहीं आएगी कि है क्या। आप डॉक्टर के पास जाते रहोगे, देखो मैं आपको डॉक्टर के पास जाने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, समझ रहे हैं, लेकिन जो जड़ है, जैसे मान लो कहीं दर्द है, तो वो क्यों हो रहा है? बार बार जब आप दवाई ले रहे हैं, आपने दवाई ली, वो दर्द ठीक हो गया, लेकिन वो जा क्यों नहीं रहा? मूल समस्या क्या है, मेन कारण क्या है, ठीक है। तो आप दवाई ले लोगे, लेकिन उसमें कुछ फर्क तो पड़ेगा, लेकिन अगर आपको पूर्णतया स्वस्थ होना है, तो दवाई के साथ साथ आपको दुआ की भी आवश्यकता है, प्रार्थना की भी आवश्यकता है। तो उसके लिए आप पितृ दोष की शांति करवाए, इससे आपको लाभ होगा, ठीक है। वरना तो भैया स्वास्थ्य पर धन खर्च होता रहेगा, बीमारी समझ के बाहर बनी, पितृ दोष शांति करवाए, लाभ होगा, और डॉक्टरी सलाह भी ले, ठीक है। तंत्र क्रिया का भी प्रभाव बना है, वह ऊपरी बाधा की भी समस्या है। तंत्र क्रिया का प्रभाव बना, वह ऊपरी बाधा की समस्या, वह प्रेत शक्ति परेशान करती है,
ठीक है, प्रेत शक्ति परेशान करती है, शरीर में दर्द रहता है, वे आपके शरीर में जगह जगह दर्द रहता, वे दिमाग काम नहीं करता, शरीर भारी भारी वे थका थका ज्यादा रहेगा, और ठीक है वह शक्ति जो है ना वे सभी को परेशान कर रही, और जो शक्ति है ना वो भैया मैं ये आपको दिखा देता हूं, नाम मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है दिख गया आपको, आपको स्पष्ट दिख रहा है भैया, समझ आ गया? हाँ ठीक है, ये शक्ति है, दवाई असर नहीं करेगी, इसकी शांति करवाए, ठीक है लाभ होगा, और अचानक किसी यात्रा पर जाने का मन बनेगा, यात्रा सफल होगी, ठीक है, वे आपके कार्य में भी जो बाधा आती है, ज्यादातर आपके कार्य में जो समस्या रुकावट आती है, ठीक है वो उसका मूल कारण क्या है, उसका मूल कारण है भैया क्योंकि ग्रह बाधा भी आपको परेशान कर रही है, ग्रह बाधा में सबसे ज्यादा कौन परेशान कर रहा है आपको, आप अभी आपका शनि और राहु ये दो ग्रह ज्यादा परेशान कर रहे हैं, हाँ शनि और राहु, मेन आपका राहु है जो आपके हर कार्य में अड़ंगे लगाता है, राहु के देखो भैया ये अभिमंत्रित किए जाते हैं, जैसे हम अपना फोन होता है, जैसे अभी हम आपसे बात कर रहे हैं तो फोन रिचार्ज होता है ना, मेरी बात सुनिए पहले जी, मैं बता रहा हूं, जैसे हम हमारा फोन है हम बाहर से ले आए, अब इसको चलाने के लिए हमें इसको रिचार्ज करना पड़ेगा ना, तो ऐसे ही जो ये आप रतन है ये सुनार के पास जाकर लिया है, लेकिन आपको इसकी विधि नहीं पता, इसको रिचार्ज कैसे करना है, तो वो काम कैसे करेगा वो आपने पहना हुआ है, वो आपके पास है लेकिन वो रिचार्ज नहीं है, तो इसलिए उसका प्रभाव नहीं है, ठीक है। और भैया आपको जो जैसे ये जो भी गुप्त विद्याएं रहती है इसका भी ईश्वरी कृपा से आपको ज्ञान होगा, ठीक है, आपकी जैसे तंत्र मंत्र में भी रुचि रहेगी और ज्योतिष में भी रुचि रहेगी, ठीक है। और इसमें जो मेन जो ग्रह इसमें परेशान कर रहे हैं अभी आपको, राहु और शनि ये दो मेन ग्रह आपको अभी इस वक्त ज्यादा परेशान कर रहे हैं, ठीक है, और थोड़ा सा आप अपना जो चंद्र ग्रह है उसको भी अपने सपोर्टिव में ले ले तो आपको लाभ होगा, उसके लिए मैंने उपाय लिखे हैं, इससे जो भी आपकी समस्या चल रही है वो दूर होगी, ठीक है। अब आप अच्छा तो आप जहां रहते हैं वहां पे आपने भगवान को स्थापित नहीं किया हुआ, जी चलिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है मैं आपको एक हनुमान जी का ही मंत्र दे रहा हूं, ठीक है ये मंत्र मैं लिख दे रहा हूं और बहुत आसान मंत्र है, ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः, इस मंत्र का आप क्या करें हनुमान चालीसा जाप करने से पहले इसको संपुटित कर ले, यानी 51 बार पहले पढ़ ले और जब हनुमान चालीसा पढ़े तो फिर इसके बाद 51 बार फिर पढ़ ले, ऐसे संपुटित कर ले आप हनुमान चालीसा को, ठीक है, तो इससे आपको लाभ होगा, वरना तो फिर आप अलग से भी जाप कर सकते 108 बार कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आप एक नींबू लेकर उसको जमीन पर रखे, ठीक है, और उसके ऊपर थोड़ा सा सिंदूर छिड़कने के बाद इस मंत्र का 108 बार जप करे, ओम भैरवाय नमः, ठीक है, मंत्र सब कुछ उपाय लिखे हुए मिलेंगे, अगर भूल जाओ तो कोई समस्या नहीं है, अच्छा सिंदूर नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, आप ना डाले फिर, अगर सिंदूर नहीं मिलेगा तो फिर आप ना डाले, सिंपल ऐसे ही करे, बस नींबू को रख दे और इस मंत्र का 108 बार जप करे, ओम भैरवाय नमः, और जप करने के बाद उस नींबू को अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टा 7 बार घुमाएं, ठीक है, उल्टा 7 बार घुमाएं और उसको घुमाने के बाद ऐसे ऐसे उसको करना घुमाना भी है ऐसे करके, ठीक है, नींबू लेना, हाँ एंटी क्लॉकवाइज बिल्कुल, ठीक है, और आपको ऐसे करके घुमाना है और फिर इसके बाद आपको क्या करना है उसको कहीं बाहर फेंक देना सुनसान जगह,
ठीक है, और वो रास्ता आपको क्रॉस नहीं करना है। कहीं वहां पे भाई ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कहीं फेंको आप और फंस जाओ? हाँ ठीक है ठीक है। तो कहीं भी सुनसान जगह है तो वहां पे आप इसको डाल दीजिए साइड में कहीं भी, ठीक है, जो सुनसान जगह है। ये आपको शनिवार वाले दिन करना है, हाँ शनिवार वाले दिन करना है, और आप इसमें समय अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं, समय अपनी सुविधा अनुसार समय रख लीजिए, या सुबह को या शाम को या रात को भी कर सकते हैं जी। आवाज ब्रेक हो रही है भैया ज्यादा आपकी। नहीं नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ भैया आपको एक नींबू लेना है, उसको अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है और उसको फिर बाहर फेंक देना है, बस इतना करना है। पैर के नीचे नहीं रखना उसको, हाँ पैर के नीचे रखोगे तो वो चीज उल्टी चढ़ जाएगी। ठीक है सब कुछ भैया, आपको आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ लिख कर दूंगा मैं आपको, घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एक उपाय और करना है, लौंग मिल जाती है आपके वहां पर? ठीक है, कपूर है? अच्छा कपूर है, कपूर ठीक है ठीक है ठीक है। तो आप एक काम करें, एक मुट्ठी के अंदर लौंग ले ले, पांच या फिर सात लौंग ले ले, ठीक है, एक मुट्ठी के अंदर आप ले ले कपूर, ठीक है, और दोनों मुट्ठी को बंद कर ले इस प्रकार, और आलती पालती मारकर बैठ जाए, ठीक है, और इस मंत्र का जप करे, ठीक है, 108 बार इस मंत्र का जप करे, या फिर 5 मिनट 15 मिनट तक इस मंत्र का जप करे, ओम श्री हनुमते नमः, इस मंत्र का जाप करते जाए 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जितना आपका सामर्थ्य है, और फिर इसके बाद मुट्ठी को खोलकर आप अपने रूम के बाहर या कहीं छत पर या कहीं सुनसान जगह, ठीक है, वहां जाकर इसको जला दे, वहां जाकर इसको आप जला दे, और आपको तत्काल रिजल्ट मिलेगा। आपने ये उपाय इधर किया और इधर ही आपको रिजल्ट मिल गया, तुरंत आपको रिजल्ट मिलेगा। ये आपको उपाय करना भैया मंगलवार को, 7 मंगलवार ये उपाय करना है आपको, ठीक है। और भैया आप क्या करें, बजरंग बाण का भी पाठ करना प्रारंभ करें। ठीक है, बजरंग बाण का आप पाठ प्रारंभ करें, एक पाठ बजरंग बाण का अवश्य करें मंगलवार, ठीक है। और क्या करें भैया, मैंने एक आपके लिए धन के लिए भी ये उपाय लिखा है, और एक मैंने मंत्र लिखा है, ठीक है, ये आप इसका जप करें, ह्रीम बीज मंत्र है, ह्रीम, ठीक है, ह्रीम, हाँ बस आपको इस बीज मंत्र का 108 बार जप करना है, जैसे ह्रीम 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 ऐसे करके 108 बार इस मंत्र का जप करना है मनी मन, ठीक है। और अमावस्या तिथि को आप ये अपने घर पर बोले उपाय करने के लिए, अपनी पत्नी से बोले कि अमावस्या तिथि पर मंदिर में सफेद वस्तु का दान करें, सफेद वस्तु का दान करें, और उनसे बोले कि वहां पर ना जो हनुमान मंदिर हो आपके वहां पे पास में या कहीं भी गांव में, ठीक है, जहां भी आप रहते हैं, वहां पर हनुमान जी को भोग देना प्रारंभ करवाए, जलेबी या फिर इमरती का, जलेबी या इमरती का भोग देने के लिए बोले और प्रार्थना करें, ठीक है, और इस इन उपाय का वो करें आप, और आपको लाभ होगा। और कुछ इसमें भैया आपके लिए हवन है, ये आप हवन करवाए तो इससे आपको लाभ होगा। भैया आपको ना उनकी फोटो देनी पड़ेगी, अभी मैंने सिर्फ आपकी, देखो अर्जी आपने अपने लिए लगाई तो सिर्फ, लेकिन जो पितृ दोष है वो परिवार पर लगा है, जो जो पितृ दोष का बताया वो पूरे परिवार का ही है। अच्छा क्या करवाया था आपने? अच्छा त्रिपिंडी श्राद्ध करवाया था आपने? जी तो मैं सोच रहा हूँ कि एक बार बच्चों को आपसे मिलवा आत्मा भेज दूंगा आपके। बिल्कुल बिल्कुल, आप भी आ सकते हैं, बिल्कुल जरूर। अभी मैं कैसे आऊंगा, अभी दो महीने नहीं, आप मैंने एक बार,
आप बच्चों को भी भेज सकते हैं, और अगर आप भी आना चाहते हैं तो आपका भी स्वागत है। मैं आपको कार्ड भेज दूंगा, मैं आपको अपना कार्ड भेज दूंगा, ठीक है, और अपनी लोकेशन भेज दूंगा, वो आ सकते हैं, आप उनको भेज दीजिएगा और मुझे वो फोन कर लेंगे तो मैं उनको गाइड कर दूंगा। जी 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 ठीक है, मैं आपको अपना पता भेज देता हूँ, और ये जो मैंने लिखा है ये उपाय आपको भेज दे रहा हूँ, सारे पर्चा आपका भेज दे रहा हूँ, और बाकी कुछ आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। और बाकी देखो फोटो अभी मैंने आपको, क्या होता है जब व्यक्ति, ये काफी समय से ही है, ये जो शक्ति है ये ज्यादा काफी समय से परेशान कर रही है, लेकिन अभी इस समय आपको ज्यादा महसूस, अभी ज्यादा महसूस हो रहा है, और जैसे जैसे आप, जैसे जैसे क्या है, जैसे जैसे भक्ति आपकी हनुमान जी की साइड से बढ़ती जाएगी, और वैसे वैसे ये शक्ति का क्या है, मन भी उच्चाट करेगा आपका, मतलब ये ज्यादा करने नहीं देगा, ये ज्यादा परेशान करेगा, और आपको पूरा पूरा महसूस भी करवाएगा ये। लेकिन वो अभी निष्प्रभाव जा रहे हैं ना। हेलो हेलो भैया, आवाज आ पा रही है आपको? जी 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 हाँ, वो कंपन झंझनाहट शुरू होगी, समझ रहे हैं, और ऊर्जा आपको पूरी पूरी महसूस, और अभी जैसे अगर थोड़ा सा और वेट करते हैं ना तो फिर ये आपको दिखेगा भी। अच्छा, ये आपको दिखेगा भी, क्योंकि आपको पूरा पूरा महसूस करवा रहा है, और जैसे जैसे आपको वो होता जाएगा पूरी पूरी इसकी आपको महसूस होगा, क्योंकि ये आपकी ऊर्जा को ना ले रहा है, आपकी ऊर्जा को चुरा रहा है। वो बताए ना, जी 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 जी, बाकी आप परेशान ना हो, आपका भैया, आप जैसे ये उपाय करोगे, और जो आपको हमने हवन बोला है ये आप करवाओगे, तो इससे आपका क्या है, सभी प्रकार की शक्तियों से आपका बंधन किया जाएगा, आपको धागा दिया जाएगा, ठीक है, आप जो, जी 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 जरूर जी जी तो आप ना अपनी जो अगर भेजेंगे तो जब भी हम देख लेंगे, बाकी जैसा भी आप कहते हैं तो फोटो से ना ऊर्जा कनेक्ट हो जाती है। अभी जैसे मैंने बच्चे से बोला था कि इनसे फोटो मांगो, तो आपने बोला था कि फोटो का क्या करेंगे, तो फिर वो उन्होंने बताया कि ऐसे गुरु जी अभी दे नहीं रहे, तो मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं। नहीं, मैं आपको इस बात से पूरा आश्वासन देता हूँ, आपको यहाँ से, यहाँ के बाद कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और आपको मैं अपना पूरा, कहीं आपको कुछ भी नहीं करना, आपको यहाँ आ भी सकते हो या किसी को भेज सकते हो, पूरा आपको संतुष्टि होगी, इस बात से आप निश्चिंत रहे। जी जी जरूर जी जी जरूर जी जी जरूर जी 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 भैया, देखो ये हमने अर्जी की सुविधा इसलिए रखी है, देखो हम पहली बात तो कोई भी भीड़ वगैरह नहीं लगाते हैं, किसी को हम नहीं बुलाते हैं, और ऑनलाइन वगैरह जैसे लोग फिर भी भक्त आते हैं मिलने के लिए, तो उनके लिए हमने दिन का समय रखा है, और जैसे आप सभी भक्तों से बात करते हैं तो शाम का समय आप सभी भक्तों के लिए रखा है, लेकिन फिर भी इतनी सारी कॉल आती है, अभी देखो हमें बात करते हुए कितना समय हो गया, समझ रहे हैं, मैं वो नहीं करता हूँ कि 5 मिनट में 10 मिनट में एक व्यक्ति को भेज दिया,
क्योंकि 5-10 मिनट का काम नहीं है ये। जब तक व्यक्ति अच्छे से बात नहीं करोगे, संतुष्ट नहीं होगा, तो क्या फायदा, समझ रहे हैं? तो इसलिए मैं पूरा समय देता हूँ। जी, बिल्कुल बिल्कुल, जरूर जरूर, मैं आपको भेज देता हूँ बाकी जो जो मैंने लिखा है, ये सभी डिटेल आपको भेज दे रहा हूँ। जी बिल्कुल, नहीं पहले आप अपना करवाए, जिससे आपको विश्वास बने, और फिर इसके बाद उनको सजेस्ट करें। पहले आप अपना करवाए, ठीक है, पहले आपको विश्वास बनेगा तो आप पूरे आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं भाई यहाँ पे आप अपना लीजिए, यहाँ पे समाधान होगा आपका। जी, चलिए कोई बात नहीं। जी, वही स्थिति घूमकर फिर जहां से चलना शुरू करे वहीं पे आ गए, समझ रहे हैं ना, तो स्थिति वही बनी। तो ये है, जी नहीं कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, जी 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 परेशान, हाँ बिल्कुल, जी जी मैं अभी आपके पास भेज दे रहा हूँ फोटो, इसके में क्लिक करके आप देख लीजिएगा, ठीक है? चलिए, आप परेशान ना हो। जय श्री राधे, जय श्री राधे।